आ गया हूँ वार्ड नंबर 21 में और हमारे समक्ष भी मौजूद है बबलू सोनकर सच्चा जी। तो आइए इनसे करते हैं कुछ चुनावी चर्चा, जो कि बहुजन समाज पार्टी बसपा से हैं। तो सर कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला कार्यकारी मेंबर हूँ। वर्तमान में पहला वार्ड नंबर 21 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और इसके पूर्व पार्षद महोदय जी के द्वारा हमारे मोहल्ले में वार्ड में इस बूथ पे कोई काम नहीं हुआ है। कुछ सड़कें जैसे थी पहले वैसी अब भी है, लाइट वाइट सब सिस्टम ध्वस्त है। पिछले 5 सालों में यहाँ पे इस एरिया में आपके क्या कार्य हुए हैं? कोई कार्य 5 सालों में जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा को लेकर? न स्वास्थ्य के लिए, न शिक्षा के लिए, न ही पानी के लिए, न ही रोड बना, कुछ भी नहीं हुआ। कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ महोदय पार्षद जी के द्वारा। ये जो जो कि लोकसभा क्षेत्र माननीय महोदय मोदी जी सर का है, उसके बाद वर्तमान में सांसद भी हैं इसी क्षेत्र से मोदी साहब और विधायक भी हैं यहीं के अरविंद जायसवाल जी, उनका भी क्षेत्र पड़ता है। और पार्षद जी भी हैं भाजपा के, उनका भी क्षेत्र पड़ता है। अनुसूचित जाति बस्ती है, दलित बस्ती, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ आपके पार्षद महोदय के हाथों कर कमरों द्वारा। तो सर जैसे कि हमें ये बताएं कि अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने क्षेत्र विकास के बारे में? जनता हमारी बहुत पीड़ा से चलती है, गुजरती है इस रोड से। अभी कोई बाइक वाला भी भाई साहब जाएंगे तो गिर जाएंगे। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत कष्ट होता है सब लोगों को। मेरी प्राथमिकता होगी कि पहले हम चलने के लिए रोड को सुधार करें, फिर बिजली और पानी के लिए व्यवस्था करें, शिक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाया जाए, यही सब मेरी सोच है ताकि समाज को भला हो सके। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो इस कार्य से आप कैसे निपटेंगे और एरिया क्षेत्र में आप निकल रहे हैं तो जनता आपको कितना जो है कि लाइक कर रही है? जनता हमको लाइक करेगी और कर भी रही है, क्योंकि वर्तमान के जो पार्षद महोदय जी थे उनके द्वारा कोई कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसलिए जनता बहुत पीड़ा दुख में है। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे देख रहे हैं तो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू करके, टाइफाइड करके, स्क्रब टाइफस करके तमाम बीमारियां फैल रही हैं, तो स्वास्थ्य को लेके आपके क्षेत्र में क्या फॉगिंग वगैरह छिड़काव और क्या जो है कि कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे कैंप वगैरह लगवाती है सरकार? तो थोड़ा सा इस मोहल्ले में अभी तक नहीं सरकार द्वारा कोई कैंप लगाया है, ना ही विभागीय नगर निगम द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कैंप लगाया है। यहाँ भी इसके पूर्व भी डेंगू के बहुत सारे पेशेंट थे, जो कि पेपर में भी लिखा था कि सिंपू सोनकर बस्ती भलाई क्षेत्र में डेंगू पेशेंट बहुत हो गया, जो कि 23 डेंगू के मरीज थे अगले साल, इस बार भी 12-13 थे, मगर यहाँ भी कोई छिड़काव का नहीं हुआ उसका। सर थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे हम देख रहे हैं कि पिछड़ी जाति का हमारा क्षेत्र है ये, तो प्राथमिक विद्यालयों को लेकर, शिक्षा को लेकर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ढिलाई हो रही है, तो शिक्षा को लेकर, प्राथमिक विद्यालयों को लेकर अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है, थोड़ा सा ये बताएं। ऐसा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, सोनकर खटीक समाज है मेरा जो अनुसूचित जाति में आता है, यहाँ शिक्षा को लेकर कोई आतलब कुछ समुदाय नहीं बना है जिससे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिली या सरकार की योजना द्वारा। प्राथमिक विद्यालय यहाँ कितने हैं? प्राथमिक विद्यालय इस वार्ड में भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय नहीं है और यहाँ बाहर में सड़क वगैरह की भी स्थिति काफ़ी खराब है। तो सर थोड़ा सा ये बताएं हमें कि जैसे आप अगर जनता आपको लाइक करती है, जनता आपको चुनती है, तो आपकी क्या जो है कि क्षेत्र के प्रति सर्वप्रथम क्या प्राथमिकताएं, क्या प्रायोरिटी रहेंगी? हमारी सोच है कि पहले शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे लोग पढ़ के समाज में अपना अपना भाई विश्वास के तरह ज्ञान बुद्धि खुले, उन लोगों भी समाज में आगे कार्य कर सके, शिक्षा पर प्राथमिकता होगा। दूसरी बात कि क्षतिग्रस्त रोड है, पूरे सड़क यहाँ का गली एकदम ध्वस्त है, उनकी बनाई जो ये जो यहाँ पे जो भी विकास कार्य नहीं हुए, तो इन चीज़ों को लेकर क्या आप कभी मतलब अपने जो वरिष्ठ जो यहाँ के हैं सभासद, पूर्व पार्षद या जो है कि विधायक थे रविंद्र जायसवाल जी, जो मंत्री अभी मंत्री भी हैं, तो उनके पास क्या आप लोग कभी गए, कभी विचार विमर्श उनसे हुआ, कितनी कोशिश की, थोड़ा सा इस बारे में बताएं? हमने पार्षद के पास भी दो बार गए थे कुछ लोगों को लेकर,
बोले आश्वासन दिए कि काम हो जाएगा, पास हो गया है, टेंडर हो गया है, मगर अभी तक काम नहीं हुआ, चुनाव भी आ गया है। हमने इस बस्ती के विकास के लिए नगर निगम में भी एप्लीकेशन दिया हूँ, सड़क के ध्वस्त है इसका भी एप्लीकेशन दिया हूँ, नगर निगम द्वारा अभी आश्वासन नहीं मिलता है, सड़कें बनी नहीं है अभी तक। लाइट के लिए हमने एप्लीकेशन दिया हूँ नगर निगम में, स्वास्थ्य विभाग में भी दिया हूँ नगर निगम में, तीन तीन एप्लीकेशन दिया हूँ, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ इसमें। तो पूर्व में जैसे कि आप प्रत्याशी न होने के बावजूद भी आप जो है कि इतने कार्य जो है कर रहे हैं जनता के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं अपने शहर के लिए और हर चीज़, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब कि जो आपकी विरोधी पार्टी है वो जीतने के लिए आपसे कितना जो है कि टक्कर लेगी, किस दर तक टक्कर लेगी? थोड़ा सा विरोधी जीतने के लिए हमसे टक्कर क्या लगेगी, जनता खुद टक्कर में रहेगी, जनता ही चुनेगी कौन सही है कौन गलत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एरिया की स्थिति वार्ड नंबर 21 में मैं आया हूं और स्थिति काफ़ी ख़राब है। थोड़ा सा कैमरामैन अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा के बाहर दिखा सकते हैं कि आप दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं कि तमाम जो है कि एरिया में देख रहे हैं कि डेंगू वेंगू वगैरह फैले हुए हैं और नाली देख रहे हैं आप, और उधर से मैं जिधर से आ रहा हूँ उधर भी रोड वगैरह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हमारी आगे भी चलिए दिखाते हैं और आगे भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसी के साथ थोड़ा सा मतलब जनता है कोई भी खम्मा में बिजली लाइट उठ रही है, उनको भी देख लीजिए इतना खम्मा लगा है किसी में लाइट नहीं है। मतलब कि यहाँ से पिछले पार्षद थे तो क्या वो यहाँ पे आते हैं, कोई कार्य कराते हैं, कोई सड़क को सफाई को लेते हैं? देखो नाली चारों तरफ बह रही है, तमाम डेंगू वगैरह को कुछ बोले अपने नेता जी जैसे कि आपके बगल में खड़े हो रहे थे? नहीं, पिछले जो पार्षद हैं उन्होंने विकास कार्य के लिए क्या किया आप लोग? सड़क वड़क जी कभी बनवाया कि नहीं, बिजली की तार लगवाया कि नहीं? कुछ नहीं किया। तो बच्चे हैं जैसे छोटे छोटे, तो शिक्षा को लेकर यहाँ पे मतलब कोई स्कूल भी नहीं खुलवाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम क्षेत्र में जो है कि सड़क जो है कि काफ़ी ये जो है कि खपड़ैला बिछा हुआ है और भी उजड़ वगैरह गया है, और किनारे किनारे दोनों तरफ ही देख रहे हैं आप गंदी नाली वगैरह बह रही है, और आप बरसात वगैरह में सोच ही सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल हो सकता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है सरकार से, देख रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह भी तमाम जो है कि होता रहता है, तो हमारी जो है कि सरकार से और पूर्व पार्षद जी से यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर भविष्य में आने वाले समय में जो है कि थोड़ा सा इन एरिया पे ध्यान दिया जाए। और मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ की तरफ से सर ये कामना करता हूँ, आपको ये मतलब सोचता हूँ कि आप ही को जो है टिकट मिले और आप अपने क्षेत्र के लिए विकास कर। तो एक आखिरी बात थोड़ा सा ये मतलब अपने जनता से जैसे कुछ अगर आप गुजारिश कोई वो करना चाहते हैं अपील, तो थोड़ा सा वो कर सकते हैं। हम अपील जनता को नहीं करेंगे, जनता खुद ही मतलब सोच के अपने दिमाग से किसी को वोट देगी, वोट के बदले चोट भी देगी कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और कौन पिछले कार्यकाल में जिनमें पार्षद है वर्तमान में पार्षद है क्या काम किए, जनता खुद बताएगी वोट के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया पूर्व में भी जो है कि प्रत्याशी न होने के बावजूद भावी प्रत्याशी अभी इस बार हुए हैं और कार्य जो है कि जनता की तमाम मदद वगैरह कर सकते करते रहते हैं और अपील कर रहे हैं जो है कि जनता से कि नहीं वो अपना जो है कि सही जो है कि नेता चुने। तो मैं पब्लिक लाइन न्यूज़ से राजन सिंह, कैमरामैन सुरेश कुमार गोर के साथ।